Hello viewers, welcome to my channel. इस वीडियो में 12:20 को स्टार्ट कर रही हूँ. सो हम जा रहे सनटेक. कल मुझे थोड़े शॉपिंग वाउचर्स मिले थे तो उससे बुक्स ख़रीदना है मुझे, और जोबी के लिए ड्राइंग कंपटीशन भी है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने हमें जाना है. हम MRT पहुँच चुके हैं. मुझे बहुत सारे बुक ख़रीदने का रहेगा तो सभी मैं इस टाइम पे ज़्यादा ख़रीदूँगी. बुक फेस्ट में बहुत सारे डील्स रहेंगे, हॉट डील्स, तो थोड़ा सस्ते में हमें बुक्स आ जाते हैं. तो फिर आज भी मुझे वो थोड़े वोचर्स देंगे. मैं सोच रही हूँ सभी वोचर्स अच्छे से यूज़ करने के. सो हम आ गए हैं एस्प्लेनेट. तो ड्राइंग कंपटीशन शुरू हो गया है. मैं इस बार जेदू के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था. लास्ट टाइम सिर्फ जोबी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, इस बार दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन किया था. जेदू ड्राइंग कम कर रहा, बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है. आज तो भीड़ थोड़ा कम है. लास्ट फ्राइडे ज़्यादा था, इस फ्राइडे इतना नहीं है. सभी अपने अपने ड्राइंग्स अच्छे से कर रहे हैं. इस बार ड्राइंग में छोटे छोटे वाले चीज़ें बहुत ज़्यादा है. जेदू का ड्राइंग तो फिनिश हो गया है. उसने उसको दे दिया था और गुडी बैग ले लिया था. ये मेरी फ्रेंड की बेटी है और जो भी कब ड्राइंग भी ख़त्म हुआ था, ये है फाइनल. अच्छा किया था. मुझे कमेंट करके बताना कि जो भी कैसे ड्राइंग की थी. सभी का ड्राइंग फिनिश हो चुका है. अब होगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. सभी प्राइजेस चाइनीज़ को ही आए थे इस बार, किसी को इंडियंस को नहीं आया था. हो गया है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. हम अब घर चल रहे हैं. बाहर बहुत बारिश हो रहा है या नहीं, बहुत मतलब बहुत बारिश हो रहा है. कोई बात नहीं, इस बारिश पे भी हम दो बच्चों को लेकर आराम से मैं घर पहुंच सकती हूँ बिना भीगे हुए. इसी बात का सिंगापुर मुझे बहुत अच्छा लगता है. जितना भी बारिश हो हमारा काम रुकता नहीं है. यहाँ पे लोग बारिश के साथ चलते हैं. वो बारिश से कुछ काम रुकता नहीं है उनका. तो ऐसा है, हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. बच्चों ने मैगडी मांगा था लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पे मैगडी कहाँ है. मुझे यही इजीली अवेलेबल है बोलचैंग की, तो मैं इसी में ही ले रही हूँ. हम वहाँ खाए नहीं है क्योंकि मुझे ट्यूशन से, तो मुझे जल्दी जाना है. अब हो गया 3:36. मैं MRT के लिए वेट कर रही हूँ. तो हम वापस आ गए हैं. तो मैंने एग्ज़िट डी ले लिया. अक्सर मैं एग्ज़िट ई से जाती हूँ क्योंकि एग्ज़िट ई से मुझे एक के एक जगह शेल्टर नहीं रहेगा, इसलिए मैंने एग्ज़िट डी ले लिया. मैं आपको बताऊँगी बारिश कैसा हो रहा है. सो ये है शेल्टर एग्ज़िट डी. अगर एग्ज़िट ई से आती हूँ तो मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ पे शेल्टर नहीं है तो मैं भीग जाऊँगी. तो इसलिए मैंने एग्ज़िट डी ले लिया. एग्ज़िट डी से व्यू ऐसा रहेगा. सो अक्सर मैं यहाँ से आती हूँ. यहाँ पे अब सिग्नल दिख रहा है ना, ये है एग्ज़िट ई. मैं अब यहाँ से आई हूँ, ये है एग्ज़िट डी. तो हम शेल्टर के ज़रिए से चले जाते हैं. देखो कितना बारिश हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है व्यू. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे शायद फंक्शन या शादी हो रही है, तो
उसका कुछ डेकोरेशन चल रहा है। अगर मुझे टाइम हो पाता तो मैं कल थोड़ा आपके लिए इसका वीडियो निकालूं। तो आ गए थे हम घर, सो ये वाला मैंने ख़रीदा था स्नैक में। यहाँ से हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।